नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। राजधानी पटना में धमाके ने एक बार फिर से सबकी नींद उड़ा दी है। इस धमाके के तार दूर तक इशारा भी कर रहे हैं। मामला काफी गंभीर है। पुरवैया क्राइम स्पेशल में इस धमाके के पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। दिखाएंगे तीन फरार आरोपियों को भी, विस्फोट के अलावा पुलिस के दबंगई को भी दिखाएंगे, और दिखाएंगे कहां गिरफ्तार हुए ठगी करने वाले नटवर लाल। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। राजधानी पटना में एक बार फिर से ब्लास्ट ने सभी की नींद उड़ा दी है। सोमवार की रात 8:05 पर यह ब्लास्ट होता है। यह ब्लास्ट कई सवाल भी खड़े कर देता है। क्या है इस ब्लास्ट का पूरा मामला, आज हम आपको दिखाएंगे। दहशत गर्दों का ठिकाना बन गया है पटना। कहां से आया तबाही का सामान, पुलिस को क्यों नहीं लगी भनक, गलतियों से क्यों नहीं सीखता प्रशासन। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में जिस वक्त विस्फोट हुआ, उस वक्त कई लोग इस कॉलोनी में मौजूद थे, और विस्फोट के बाद अचानक सनसनी फैल जाती है। पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब ब्लॉक संख्या 12 की चौथी मंजिल के फ्लैट नंबर 21 में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने फ्लैट से 2 टाइमर बम बरामद किए। टाइमर बम में लगी घड़ी से लग रहा है कि बम बनाने वालों का कनेक्शन बोधगया और पटना के गांधी मैदान में हुए आतंकी हमलों से भी रहा होगा, क्योंकि यहां भी टाइमर के लिए उसी लोटस कंपनी की घड़ी का इस्तेमाल किया गया है जो पटना और बोधगया ब्लास्ट में आतंकियों ने किया था। जो बम के नेचर से और जो इसके अंदर में और जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जैसे कि जो लोटस कंपनी का जो क्लॉक है जो लगाया गया है, जो गांधी मैदान ब्लास्ट में बोधगया ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था, तो वही इसमें भी इस्तेमाल हुआ है। तो जिससे इंगित कर रहा है कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा जो इनको असेंबल किया गया है बॉम्ब को, परंतु किस काम के लिए उनको असेंबल किया गया, क्या उनकी मंशा रही इसके पीछे, वो अनुसंधान के बाद स्पष्ट होता है। अब तक की तहकीकात से पता चला है कि इस फ्लैट में 2 लोग जो रहते थे वो खुद को शिक्षक बताते थे। यहाँ पर आलोक रंजन लिखा हुआ है नाम, बिना काम प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर नाम लिखा है कुंदन राज आलोक रंजन, और ये ताला जो है ये बंद है, सील है, क्योंकि ब्लास्ट की घटना इसी रूम में हुई थी। फ्लैट में क्यों बनाया जा रहा था बॉम्ब, क्या पटना को दहलाने की थी साजिश, इन सवालों का जवाब तब मिलेगा जब इस फ्लैट में रहने वाले लोग पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 27 अक्टूबर 2013 को पटना में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। यही नहीं, बहादुरपुर हाउसिंग का ये इलाका पहले भी इस तरह की गतिविधियों के लिए चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि आज से ठीक 10 साल पहले भी यहाँ इस इलाके के आसपास एक बड़ा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था, और ये बताया जा रहा था कि नक्सली गतिविधि में वो हथियार इस्तेमाल होते थे। पटना पुलिस किस कदर लापरवाह है वो इससे पता चलता है। जिस ब्लॉक में ये विस्फोट हुआ है वो पूरी तरह जर्जर है। प्रशासन इसे अवैध घोषित कर चुका है और लोगों से कई बार ब्लॉक को खाली करने को कह चुका है। लेकिन एक सवाल उठता है कि सर, बार बार ये कहा गया है कि इस हाउसिंग कॉलोनी जो है ये जर्जर स्थिति में, यहाँ पर लोगों का रहना सख्त मना है, यहाँ पर नहीं रह सकता है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं सर? रहते थे अपना, सब कहने के बाद भी नहीं समझता है बात। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में सोमवार की रात हुए धमाके और मौके से मिले 2 जिंदा बमों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां गंभीर हैं। FSL, NIA और IB की टीम अपने अपने स्तर से जांच में जुट गई है। शहर के बीचों बीच विस्फोटक कैसे पहुंचा, किसके इशारे पर बम बनाया जा रहा था, किस मकसद से बम बनाया जा रहा था, क्या बिहार में दहशत फैलाने की थी साजिश, ये सवाल इसलिए
क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अप्रैल से रैलियों का दौर शुरू हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और अलग अलग दलों के कई दिग्गज नेता पटना आने वाले हैं। सवाल कई हैं, जवाब जांच के बाद ही पता चलेगा। कि पुलिस पूरे छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर बम रखने का मकसद क्या था, क्या वाकई विस्फोट अनजाने में हुआ या फिर उस विस्फोटक का इस्तेमाल कहीं और होना था। इन तमाम बिंदुओं पर छानबीन जारी है और ये कम से कम पटना पुलिस के लिए चुनौती है कि पूरे मामले का उद्भेदन सही समय पर हो सके। कैमरामैन निरंजन के साथ आशुतोष चंद्र, राजी मीडिया, पटना। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी संपन्न होने वाले हैं। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान आतंकी बम ब्लास्ट करने में सफल रहे थे। वहीं अगले कुछ दिनों में बिहार में रैलियों की भरमार भी होने वाली है और इस समय ब्लास्ट क्या संकेत देता है, ये सोचने वाली बात है। पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में धमाका हुआ। धमाके की गूंज ने सुरक्षा कर्मियों की नींद उड़ा दी। धमाके के कनेक्शन जुड़ने लगे, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच गई। धमाका टाइम बम बनाने के दौरान हुआ। धमाके की इंटेंसिटी भी तेज थी। कल यानी 30 तारीख को 8:05 में रात को ये सूचना मिली कि बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में सेक्टर 3 के ब्लॉक नंबर 12 के फ्लैट नंबर 21 में, जो कि भूतनाथ रोड पर अवस्थित है, कोई बम विस्फोट हुआ है। तो ये सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष, सिटी एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, सारे वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर स्टील के 3 केम बम बरामद किए गए। एक में विस्फोट हुआ था, 2 में जिंदा बम था। शुरुआती जांच में सामने आया कि इस धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ है, लेकिन इस ब्लास्ट के तार इससे भी आगे की ओर इशारा कर रहे हैं। पटना के ब्लास्ट में जिस जगह ब्लास्ट हुआ वहां पर टाइमर बरामद हुआ। इस टाइमर ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। वैसे ही टाइमर का इस्तेमाल बोध गया और पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट के दौरान किया गया था। जो विस्फोटक बरामद हुआ उसका इस्तेमाल आतंकी किया करते हैं। तो क्या इस फ्लैट में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी? टाइमर के लिए जिस लोटस घड़ी का इस्तेमाल किया गया वही घड़ी बोध गया और पटना के सीरियल ब्लास्ट में भी इस्तेमाल की गई। बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची और जो 2 जिंदा केन बम थे उसको डिफ्यूज किया गया और वहां से एक मोटरसाइकिल भी घटनास्थल से बरामद की गई है। और निष्क्रिय जो किए गए टाइम बम, जिंदा टाइम बम जिनको निष्क्रिय किया गया, उनके अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इसमें टाइमर के रूप में लोटस कंपनी की घड़ियों का उपयोग किया गया है। ऐसे ही घड़ियों का उपयोग पहले गांधी मैदान में जो विस्फोट हुआ था उसमें हुआ था और रांची में कुछ बम बरामद हुए थे उसमें भी ऐसी घड़ियों का इस्तेमाल हुआ था। आपको बता दें कि बोधगया में भी आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट किया था। उसके बाद 27 अक्टूबर 2013 को पटना में मोदी की रैली के दौरान आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट कर राजधानी को दहलाने की कोशिश की थी। इस बार ये ब्लास्ट बम बनाने के दौरान ही हो गया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अप्रैल महीने में बिहार में रैलियों की भरमार होने वाली है। 5 अप्रैल, जगह पटना का गांधी मैदान, RLSP की युवा किसान रैली। 14 अप्रैल, जगह पटना का गांधी मैदान, बीजेपी की रैली। इस रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भी शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। 20 अप्रैल जगह पटना का गांधी मैदान, मांझी गुट का शक्ति प्रदर्शन। अब जबकि मौसम करवट ले रहा है, तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है, वैसे ही सियासी तापमान भी बढ़ने वाला है। इस बढ़ती सियासी गर्मी के बीच आतंकी भी अपने मिशन में जुटे लगते हैं। अब यह सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ही साफ हो पाएगा कि आतंकियों की योजना क्या थी, क्या थे उनके इरादे। लेकिन ब्लास्ट का ये मामला कई संकेतों की ओर इशारा कर रहा है। जरूरत है वक्त रहते ही आतंकियों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने की। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। वहीं इस ब्लास्ट में शामिल 3 आरोपियों के बारे में पता चल गया है।
सुरक्षा एजेंसियां इनकी तलाश में सरगर्मी से जुट चुकी हैं। वहीं ब्लास्ट ने सत्ता के गलियारे में भी गर्मी पैदा कर दी है। ये तस्वीरें उन आरोपियों की हैं जिनका ब्लास्ट में हाथ बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इन तीनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने इस ब्लास्ट के तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन फरार तीनों आरोपियों का जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आना जरूरी है। ये तीनों कहीं भी छुपे हों, लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ जल्द ही इन तक पहुंच जाएंगे। बिहार को तबाही की आग में झोंकने वाले हाथ कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इन तीनों आरोपियों के नाम हैं कुंदन, हेमंत और अशोक। इस विस्फोट की गूंज विधानसभा के अंदर भी सुनाई दी। सीएम ने सामने आकर बयान दिया। प्रारंभिक तहकीकात में ये बात उभर कर आई है कि इसमें ये जो बॉम्ब थे ये आम तौर पर टेररिस्ट वगैरह इसका इस्तेमाल किया करते हैं, और बोध गया में या पटना के गांधी मैदान में जिस तरह के बम का इस्तेमाल हुआ है तो उससे उसी की तरह ये बॉम्ब अभी प्रारंभिक जो तहकीकात है उसमें लोगों की समझ में ये बात सामने आई है। तो इसके आधार पर पूरे तौर पर इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, तहकीकात की जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। आरोपियों के धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एनआईए की टीम भी दिल्ली से आई है हमारी मदद करने के लिए। हमारी एटीएस की टीम लगी हुई है, बम स्क्वाड लगा हुआ है, हमारी जिला पुलिस लगी हुई है, हमारे सारी पदाधिकारी लगे हुए हैं, और एनआईए की टीम भी दिल्ली से हमारी मदद में हमारे बुलावे पर हमारे सहयोग के लिए आई है, वो लगी हुई है। तो इसमें तीनों जो इसके लोग हैं, अभियुक्त हैं, वो अगर गिरफ्तार होंगे, वो पकड़े जाएंगे तो उनसे इंट्रोगेशन किया जाएगा। इंट्रोगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि किस कारण से, किस मकसद से, किस उद्देश्य से ये बम बनाए जा रहे थे और इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाना था। इस धमाके ने बिहार में सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। उम्मीद है कि इस धमाके से सोई हुई खुफिया एजेंसियों की नींद जरूर खुल जाएगी। राजधानी पटना के रिहायशी इलाके में विस्फोटकों की मौजूदगी खतरनाक संकेत दे रही है। जरूरत इन संकेतों को समझने की और उस पर अमल करने की। अमित झा के साथ ब्रिजमोहन पांडे, जी मीडिया, पटना। कानून को तोड़ते कानून के ही रखवाले दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। कानून की हिफाजत के लिए कानून के पहरेदार बनाए जाते हैं, लेकिन जब कानून के पहरेदार ही कानून के साथ खिलवाड़ करने लगे तो फिर क्या हो सकता है? आप खुद देखिए पुलिस के दबंगई की ये दास्तान। लगता है कि सहरसा पुलिस अपने काम से ज्यादा अपने कारनामों से चर्चा में रहना चाहती है। कुछ दिनों पहले पुलिस ने दवा खरीदने जा रहे एक ड्राइवर को जमकर पीटा था। गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़ित के मुताबिक उसके पैसे तक लूट लिए गए थे। ये मामला इसी साल के 13 मार्च का है। तब भी जी पुरवैया ने पुलिस की इस दादागिरी को काफी गंभीरता से दिखाया था। खबर दिखाने के बाद दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन इस कार्रवाई से भी लगता है सहरसा की पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। अगर पुलिस ने सबक लिया होता तो पुलिस की दबंगई का ताजा मामला सामने नहीं आता। यह है सहरसा का सदर थाना। इसी थाने के महिला हाजत में कैद है एक नाबालिग। आपको बता दें कि ये नाबालिग बच्चा पिछले 5 दिनों से इस हाजत में बंद है। इस बच्चे को 27 मार्च को इसके घर से पुलिस ने पकड़ा था। तब से अभी तक ये बच्चा पुलिस की हाजत में ही बंद है। लगता है कि पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी परवाह नहीं है।
कानूनन किसी भी कैदी को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रख सकती है, और जब किसी नाबालिग की बात हो तो उसे हिरासत में यूं रखना सरासर गैर कानूनी है। अंडर 18 इयर्स के बच्चे को हैंडकप या तो उनको नहीं लगाने का है, ना ही उनको पुलिस कस्टडी में रख सकती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यही कहता है जो बच्चे जो माइनर हैं उस माइनर बच्चे को पुलिस अपने गिरफ्त नहीं ले सकती है, उनको एक अपने बाल संरक्षण इकाई के तहत उनको अपने कस्टडी में मिलजुल करके बात करके उनको उनके साथ जो है सही से पेश आए और उनको कस्टडी नहीं लिया जा सकता। इस मामले में पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी कहने से कतराती रही, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वही पीड़ित पिता को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसाफ की गुहार किसके पास लगाए। लगता है कि सुशासन बाबू के राज में खाकी बेखौफ है। पकड़ के ले गया 5 दिन का कि सुबह आके भेंट कीजिए। उस दिन से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। हमने पूछा क्या बात है, कहकर आपका बच्चा जो है ये गलत लड़का के साथ में है। हम बोले मेरा बच्चा नाबालिग है, 14 साल का बच्चा है। आज तक न हम लोग का कोनो इतिहास है, न मेरे बाल बच्चा का इतिहास है, कोनो गलत रिकॉर्ड है। आखिर 5 दिनों से हाजत में क्यों रखा है, आपने आवाज़ नहीं उठाई? हमने बोला तो कहा कि ऐसा नियम है, हाजत में रखने का नियम। हाँ हाँ, ऐसा नियम है, रख सकता। थानेदार ने क्या कहा? थानेदार ने कहा कि देखिए इसका जाँच चल रहा है। क्या आरोप है आपके बेटे पर? वो बोल रहा है कि लड़का सब जो है मोटरसाइकिल छिनतई करता है, ये सब करता है। हम बोले ऐसा आज तक कोई है ही ना है, मेरा पढ़ने लिखने वाला है, कोचिंग से पूछिए, हर अथी से पूछिए, स्कूल से पूछिए, स्कूल का सर्टिफिकेट भी हमने दिया है कि 14 साल उम्र है। अब सवाल ये है कि कानून की पहरवे ही जब कानून का मखौल उड़ाने लगे हैं तो मामला काफी गंभीर हो जाता है, लेकिन इस गंभीर मामले पर बोलने के लिए कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा। सवाल एक मासूम बच्चे के भविष्य से भी जुड़ा है। अगर पुलिस हाजत में बंद यह बच्चा गुनहगार है तो बेशक इसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तब भी इसे बाल सुधार गृह ही भेजा जाएगा। लेकिन अब लगता है कि सहरसा के दबंग पुलिस वाले खुद ही समाज को सुधारने चले हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कानून की कितनी भी हदें क्यों ना पार करनी पड़े। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। और फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब वापसी होगी तो दिखाएंगे सातिर ठगनी कारस्तानी। और अब बात करते हैं नटवर लाल की। तो वो एक शातिर ठग था, उसके शिकार लोगों में डॉक्टर, वकील और व्यापारी तक शामिल हैं। उसकी ठगी का जाल दिल्ली और मुंबई तक फैला हुआ है। वो हमेशा पुलिस से बचता रहा, लेकिन गुनाहगार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी जगह होती है सलाखों के पीछे, और इस ठग का भी अंजाम यही हुआ। ठगों का मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हाथ में। डॉक्टर पुलिस वकील व्यापारी को बनाता था निशान। दिल्ली और मुंबई तक फैला रखा था ठगी का जाल। ये जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने की पुलिस है। यहां की पुलिस ने नरभे राम दयाल जी ज्वेलर्स के मालिक मयूर अडेसरा को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। ठगी के मामले में मयूर अडेसरा के भाई मिलन अडेसरा और उत्तम अडेसरा के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ था, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ एक भाई ही लगा है। पुलिस बाकी 2 वारंटियों की तलाश में जुटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मयूर अडेसरा ने ऐसी कौन सी ठगी की है, लेकिन जब आप इसके ठगी के कारनामे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये ठग डॉक्टर वकील बिजनेसमैन को भी अपना निशाना बनाने से बाज नहीं आता था। तीनों भाइयों के खिलाफ 24 फरवरी 2014 डॉक्टर रमेश चौधरी ने केस किया था। डॉक्टर चौधरी की बेटी की शादी थी, शादी के लिए नरभे राम दयाल जी ज्वेलर्स से जेवर बनवाने थे, लेकिन ना तो डॉक्टर चौधरी को जेवर मिले और ना ही उनके पैसे वापस मिले।
डॉक्टर चौधरी के करीब 10.5 लाख रुपए फंसे हुए थे। मामला कोर्ट पहुंच गया था। इस केस में तीनों भाइयों के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। हालांकि धोखाधड़ी के मामले में जिला जज के सामने दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। इस समझौते के मुताबिक मयूर अडेसरा को हर महीने 30,000 रुपए के हिसाब से 10.5 लाख रुपए देने थे, लेकिन दो बार के बाद उसने पैसे देने बंद कर दिए। इसके बाद मयूर अडेसरा ने 2,60,000 का चेक दिया, लेकिन चेक भी बाउंस कर गया। मयूर अडेसरा ने केवल जमशेदपुर के लोगों को ही अपना शिकार नहीं बनाया, इसने दिल्ली और मुंबई के लोगों से भी ठगी की है। बिष्टुपुर पुलिस का कहना है कि इसके खिलाफ शिकायत लेकर लोग दिल्ली और मुंबई से भी पहुंचे हैं। गाना साफ करने के नाम पर, गाना बढ़िया ठीक करने के नाम पर, चेंज करने के नाम पर, और लोग कैसे ठगाते थे, अच्छा लगता है। अच्छा जब पढ़ लिखे लोग डॉक्टर लोग इसमें फंसे हैं, कुछ लोग पुलिस वाले फंसे हुए हैं, बहुत फंसा है। इसलिए इससे सोना मैंने चांदी का दुकान है और बिजनेस मैन तो है ही, और जिसे सोना चांदी साफ करने के नाम पर, जब किसी किसी मैंने शादी है ठीक है पैसा चेक दे दीजिए, नगद दे दीजिए, हम बढ़िया बाहर से चीप एंड बेस्ट मंगा लूँगा, ये सब किया ना जी। ये सब मैंने पत्थर अंगूठी है, स्टोन है, मैंने ऐसा ही कुछ पहले के लोगों से इसका संपर्क भी है, झांसा में आकर कि जो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी साथ बैठता उठता है उठाएगा नहीं, लेकिन पत्थर और गाना बना दूंगा, चेंज कर दूंगा, रिफर कर दूंगा, धो दूंगा, साफ कर दूंगा, शादी में सस्ता दिला दूंगी, सब ड्रामा करके बहुत समाज के बहुत लोगों को पसंद गया। मामला तो मेरे यहाँ इसका तीन गो है भी, एक गो शायद बेल करा लिया होगा, लेकिन बहुत अन्य रजिस्टर्ड मामला बहुत है, दिल्ली तक लोग पीड़ित हैं इससे, दिल्ली के भी एक व्यक्ति इसके खिलाफ मैंने विवाद पत्र दिए हैं। मयूर अडेसरा लोगों को सस्ते दाम पर ज्वेलरी देने का लालच देता था। इतना ही नहीं, ये लोगों को स्टोन के नाम पर भी ठगा करता था। लोग एक बार इसके झांसे में आ जाते थे, उसके बाद फिर पैसे के लिए इसके चक्कर काटते रहते थे। मयूर अडेसरा के खिलाफ साक्ची और बिष्टुपुर थाने में करीब 30 मामले दर्ज हैं। अब पुलिस को इसके भाइयों की तलाश है। मुकेश कुमार मिश्र, जी मीडिया, जमशेदपुर। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।